हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं एमसी इंडिया ऑफिशियल, आप वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। आपको वहाँ पे सारे लिंक और अपडेट मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डे 6 पढ़ने वाले हैं। 1000 MCQ का सीरीज का डे 6 है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाइए। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसके पास है 40 सेकेंड। में ऑप्शन दे रहा हूँ। आपका ऑप्शन ए है 5 होल 5 बाई 11, ऑप्शन बी है 5 होल 4 बाई 11, ऑप्शन सी है 6 होल 5 बाई 11, और लास्ट ऑप्शन डी 3 होल 4 बाई 11। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। आपके पास 40 सेकेंड है, सभी को सॉल्व करना है। आज से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने वाला है। आपका क्लास लगभग 40 मिनट्स का होगा। आज से आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ेगा, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock, एक सेकेंड, एट वाट टाइम बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कब कब रहेगा, कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हो गया, स्ट्रेट लाइन में तो यही ना हुआ, तो इसका मतलब कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। जब भी टाइम दिया हो, ठीक है, और एंगल भी दिया हो, एंगल तो देखिए 180 डिग्री दिया हुआ, तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, a1 - a2। a1 क्या है आपका, a1 आपका है जो स्मॉल नंबर दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर जो दिया होगा (30)। इतना आपको समझ में आ गया। ए टू क्या है, ए टू आपका है गिवेन एंगल, गिवेन एंगल जो कि इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री गिवेन एंगल। चलिए डाटा पुट करते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ पुट करते हैं। 2 बाई 11 या 7 दिया हुआ है, छोटा वैल्यू 7 और 8 में 7 ही है, तो 7 × 30 हो जाएगा आपका। अब -180 होगा क्योंकि 180 डिग्री दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। जब इसको कीजिएगा तो 60 बाई 11 होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 5 होल 5 बाई 11 आएगा, ठीक है। ये मिनट का हो जाएगा, ठीक है, ये मिनट का हो जाएगा, या मान 7 लगा होगा सब में क्वेश्चन में, ठीक है, 7 लगा होगा, 7 बज के इतना मिनट, तो कितना आ गया 5 होल 5 बाई 11, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड, आप बनाइए, उसके बाद मैं बनाता हूँ। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, इसको सॉल्व कीजिए आप। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्लॉक का 2-3 क्वेश्चन कराया जाएगा और कैलेंडर का 1-2 क्वेश्चन कराया जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको बनाकर ग्रुप में सेंड करना है। कौन से ग्रुप में, टेलीग्राम के, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट सेंड कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी बनाइए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक 8:20, मतलब 8:20 पे कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 60 आवर माइनस 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2, एक फॉर्मूला ये है हम लोग का, ठीक है। यही फॉर्मूला है जब आपका क्या हो, टाइम दिया हो और एंगल निकालना हो, एंगल क्या करना हो हमको निकालना हो और टाइम दिया हो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो 60 आवर के लिए क्या कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो 60 × 8 कर देंगे, -11, ये m4 मिनट है, ठीक है। तो मिनट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, तो इसमें कर देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, 480 - 220 / 2, तो कितना हो जाएगा आपका, 260 / 2, तो कितना जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 130 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम लोग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, इसको सॉल्व कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 40 सेकेंड आपके पास है। सभी को आराम से सॉल्व करे, सफिशियंट टाइम होता है 40 सेकेंड सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
चलिए अब आपका टाइम हुआ समाप्त, 40 सेकंड खत्म हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट डेट ऑफ अगस्त 1980, ठीक है, डिड मंडे फॉल, मतलब मंडे जो होगा किस तारीख को पड़ेगा बताना था। इसीलिए हम सबसे सिंपली क्या करेंगे, 1 अगस्त का दिन निकाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा दिन आपका पहला संडे पड़ेगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 अगस्त 1980 निकालेंगे, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसलिए एक ट्रिक था, कौन सा ट्रिक था हम लोग का, इसीलिए कोड होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट हम लोग का डेट मंथ और ईयर दिया, उसके लिए कोड क्या होता है, मंथ का कोड देखिए क्या होता है, ए मंथ हो गया, ठीक है। मंथ का कोड क्या होता है, 1440256036, ठीक है, और 1460, ये किसका कोड हो गया आपका, ये मंथ का कोड हो गया। डे का कोड क्या होता है, यहाँ संडे से स्टार्ट होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे का 1 मंडे का 2 ट्यूसडे का 3 वेडनेसडे का 4 थर्सडे का 5 फ्राइडे का, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, हाँ फ्राइडे का 6, यहाँ संडे नहीं हुआ, संडे तो शुरू हो गया, ठीक है, सैटरडे का 0 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। एक और चीज देखिएगा, जहाँ भी 1900 से लेके 1999 तक दिया हो, ठीक है, तो कौन सा कोड यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। जहाँ भी 2000 से लेके 2099 तक दिया हो ईयर, तो वहाँ कौन सा यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 अगस्त 1980 निकालते हैं। सबसे पहले जो डेट दिया वो डेट लिख लेते हैं, फिर अगस्त का कोड देखिए क्या देता है। अगस्त आपको पता है कौन सा महीना होता है, 8वां महीना होता है, तो 3 3 6 2 8, कौन सा कोड हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, लास्ट का ईयर का जो 2 डिजिट दिया हुआ वो लिख लेते हैं, फिर जो 1900 का जो कोड होता है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। तो 1900 कोड क्या होता है, 00 होता है। फिर देखना है कि लीप ईयर कितना आता है, तो लास्ट बार 2 डिजिट क्या, 4 से डिवाइड कीजिए, जो क्वेश्चन होगा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा, उतना लीप ईयर आता है। तो देखिए 5 स्टेप होता है, 1 2 3 4 5, टोटल को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए, तब टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 104 हो जाएगा। इसको क्या कीजिए आप, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम हो जाएगा, 4098 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका, 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 किस किस चीज़ का कोड है, तो 6 देखिएगा यहाँ पे फ्राइडे का कोड है, यहाँ पे 6 किस चीज़ का कोड है, मतलब अगर 1 तारीख आपको फ्राइडे पड़ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन में पूछा क्या कि संडे कौन तारीख पड़ेगा, 1 फ्राइडे पड़ेगा, तो संडे आपका कौन सा दिन पड़ेगा, 1 फ्राइडे होगा, 2 सैटरडे हो जाएगा, 3 संडे हो जाएगा, 4 मंडे हो जाएगा। तो हम मंडे पूछा है, मंडे कौन तारीख पड़ेगा, जिसका मतलब मंडे 4 को पड़ेगा, तो अगला मंडे 11 को पड़ेगा, क्योंकि दिन जो होता है वो 7 दिन बाद रिपीट करता है, तो उसको अगले बाद वाला मंडे किसको, 18 को पड़ेगा, उसके बाद वाला मंडे को पड़ेगा, 25 को पड़ेगा, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे लोग, ठीक है। इसी टाइप का इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, पहले आप बना लीजिए, 40 सेकेंड है, उसके बाद नहीं बनेगा तो इसके लिए आपको होमवर्क के क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप बना लीजिएगा, पास 40 सेकेंड है, सोल्व कर लीजिए। और जिनसे नहीं बनता है वो क्या करेंगे, घर से बना के ग्रुप में डालेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप नहीं बनता है तो दूसरे बच्चे से भी हेल्प लीजिए, और वहां भी नहीं होता है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए, ठीक है, मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कैसे सोल्व होगा टेलीग्राम पे। चलिए आपके पास 40 सेकेंड, आप बनाइए जल्दी से। चलिए, अगर जिनसे बन गया उनसे बहुत अच्छा बात है, कमेंट कर दीजिएगा अपना आंसर, और जिनसे नहीं बना उनके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, उनके लिए ये होमवर्क है, बनाकर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, समझ में आ गया, बना क्या करना है, ग्रुप में डाल देना है, ठीक है, या होमवर्क है, बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपके पास क्या है, 40 सेकेंड है, इसको बनाइए आप, इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड है, इसको आप सॉल्व कीजिए। सभी को ट्राई करें, ठीक है, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए अब आपका समय हुआ समाप्त, अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जिनका बन गया होगा बहुत अच्छा है, जिनका नहीं बना हो, चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ब्यूटीफुल इज रिटन एज, क्या हुआ है यहाँ पे, कोड दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है लीफ LEF का कोड क्या होगा, यही बताना। चलिए देखते हैं, जो जो लिखा हो लिख लेते हैं, BEAUTIFUL, इसका कोड क्या दिया हुआ है, तो कोड देखिएगा, इसका C दिया हुआ है, E का D दिया हुआ है,
ओ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, यहाँ पे जे दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और एम दिया हुआ है, और एन दिया हुआ है। और निकालना किस चीज का, आपको निकालना था एल ई ए एफ, इसका हम लोग को निकालना था। अब जब आपको इतना मालूम चल गया तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब जो जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें, इसमें खोजिए एल कहाँ पे है, तो एल देखिएगा एल यहाँ पे है, ठीक है। ई देखिए कहाँ पे है, तो ई देखिएगा यहाँ पे है, ये उसके बगल में है, और एफ आपको यहाँ पे है। तो चलिए कोड देख लीजिए, सबके सामने क्या है, कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें लिख कर निकाल लेंगे। जैसे एल का कोड कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एल का कोड क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो यहाँ एन लिख लेंगे। ई का कोड देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी लिख लेंगे। ए का कोड देखिए क्या दिया हुआ है, ए का कोड ओ दिया हुआ है, तो यहाँ ओ लिख लेंगे। और एफ का कोड क्या दिया हुआ है, एफ का कोड देखिए यहाँ के दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हम लोग का, एन डी ओ के। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड, इसको जल्दी सोल्व कीजिए आप, इसको जल्दी सोल्व कीजिए। 40 सेकेंड है सभी के पास, 40 सेकेंड में अब आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, ठीक है, अब टाइम नहीं बचा हुआ है। सोल्व कीजिए इसको, चलिए अब मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देख दिया क्या, वो फायरवुड इज रिटन एज ई आर आई एफ डी ओ डब्ल्यू लिखा हुआ है, हाउ इज फ्रैक्शन, हाउ इज फ्रैक्शन, इसको कैपिटल में लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन रिटन एज, अब बताना क्या है कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए फायरवुड का कोड देख क्या दिया हुआ है, हम देख लेते हैं, एफ आई आर ई, ठीक है, डब्ल्यू ओ ओ डी, ऐसा कोड क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, फिर यहाँ देखिए डी ओ ओ डब्ल्यू। एक चीज आपने नोटिस किया है, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि यहाँ से देखिएगा एफ आई आर ई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, एफ से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब क्या क्या है, यहाँ एफ यहाँ पे लिख दिया, आई यहाँ पे लिख दिया, आई यहाँ पे लिख दिया, आर लिख दिया, और ई लिख दिया, उल्टा लिखा है। फिर देखिए डब्ल्यू ओ ओ डी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या क्या है, अपोजिट से स्टार्ट कर दिया, हाफ ऑफ डिवाइड करके यहाँ अपोजिट से स्टार्ट कर, डी लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, इसके अपोजिट से स्टार्ट कर दिया था। जो क्वेश्चन से हम लोग पूछा क्या है, फ्रैक्शन में पूछा है, तो हम भी वैसे करेंगे, पहले हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे, तो एफ आर ए सी टी आई ओ एल, ठीक है। अब इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दिए, ठीक है, फोर फोर पार्ट में, तो इतना लिख लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, उल्टा इन द सेंस मतलब देखिए यहाँ एफ आई आर ई लिखा हुआ था, तो स्टार्ट किसे होता है, ई पर लिखा है, उसके बाद आर लिखा है, उसके बाद यहाँ पे आई लिखा है, फिर क्या लिखा, एफ लिखा है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, सी लिखेंगे पहले, उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, एफ लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए उल्टा चलेंगे, एन लिखेंगे, ओ लिखेंगे, आई लिखेंगे, और टी लिखेंगे। अब दोनों को मिला लीजिए और ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, सी ए आर एफ एन ओ आई टी, देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का, करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको बनाइए 40 सेकेंड में, इसको बनाइए 40 सेकेंड में, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, और अभी बन जाता है 40 सेकेंड में तो अच्छा है, नहीं तो आप घर से बना के ग्रुप में डालिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो इसीलिए 40 सेकेंड, इसको जल्दी बनाइए आप। जल्दी बनाइए इसको आप, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, आपसे बन जाएगा, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप एक बार घर पर ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बनाऊंगा, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए उसको, अगर बन जाता है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप बना कर भेज दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, इसके लिए भी आपको मिलता है 40 सेकेंड, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आपको सभी क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड मिलेगा, आप सॉल्व कीजिए आप। ये आपको ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है,
ब्लड एंड रिलेशन से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग और सीरीज ये फेवरेट चैप्टर चैप्टर होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे वो एमसीए के। एमसीए में तो खासकर पूछता है इससे, इससे क्वेश्चन फिक्स है, दो आए चार आए चाहे छः आए, तीन चैप्टर से फिक्स है, ये आना ही है, मतलब आना ही है। इस चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिएगा लोग आपको। चलिए आपका समय हुआ समाप्त, अब मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करा, ए एंड बी आर मैरिड कपल, जो ए है और बी दोनों क्या है, शादीशुदा है। अब आगे देखिए क्या करा है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। चलिए इसका तो रिलेशन अभी नहीं मिल रहा है, तो फिर देखते हैं यहाँ पे। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो है ठीक है क्या है, ए का भाई है, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। फिर पढ़ेगा एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, मतलब जो वाई है क्या है, वाई है ब्रदर है, ये भी ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या करा है, इस पत्नी हो गई बी, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, मतलब बी जो है वो वाई को क्या कहेगी, यही बताना है आपको। मान लीजिए आपके भाई की पत्नी आपको क्या कहेगी, यही बताना है, तो क्या कहेगी बताइए आप, तो क्या हो जाएगा, देवर कहेगी। और देवर को पता है वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ऐसे हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना लेते लोग, ठीक है, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगता है आपको बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग का ब्लड रिलेशन से, इसको बनाइएगा, ठीक है, इसको अच्छा से बनाइएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छा से, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आपके पास, बनाइए इसको। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, जो क्यू की माँ है, मान लीजिए क्यू हो गई, ठीक है, ये क्यू हो गई, क्यू की जो माँ है, ये माँ हो गई, ठीक है, निगेटिव साइन लगाते हैं, फीमेल है वो क्या है, पी की क्या है, क्यू की जो माँ है वो कौन है बताइए। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, मतलब क्या है, पी की बहन है, पी यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, पी एंड डॉटर ऑफ एम, ठीक है, एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस जो है क्या है, पी की डॉटर है, यहाँ पे लगा ली माइनस। फिर आगे पढ़िए ना, सिस्टर ऑफ टी, जो पी है किसकी सिस्टर है, सॉरी देखिएगा, एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज जो क्या है, पी की डॉटर है, और जो एस है वो किसकी सिस्टर है, टी की सिस्टर है, एस जो है वो टी की बहन है, यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो देखिए क्वेश्चन पूछ किया रहा है, ठीक है, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। एक चीज और हम लोगों ने मिस किया है, पता क्या, क्यू इज मदर, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, क्यू की जो माँ है वो क्या है, पी की सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ एम, मतलब ये जो माँ है क्यू की, किसकी बेटी है, एम की है। इतना आपको समझ में आ गया, यही हम लोगों ने मिस किया था क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम का रिलेशन ठीक है टी से क्या, मतलब जो टी है वो एम को क्या बोलेगा, यही आपको बताना था। एक चीज देखिएगा, एम का जेंडर क्लियर नहीं है, ना एम पॉजिटिव जेंडर क्लियर है, ना निगेटिव क्लियर है, ना मेल है ना फीमेल है। तो एक ऑप्शन देखिएगा पहले, बताइए लगेगा क्या, इसका मतलब क्या हो, जब ये निगेटिव है ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए ये इसका क्या है, क्या है बताइए, ये जो मान लीजिए ये अगर ये क्यू की माँ की माँ है, मतलब वो पी की भी माँ होगी, क्या कि दोनों बहन है, तो इसका मतलब ये क्या है, या तो ग्रैंड फादर लगेंगे या तो ग्रैंड मदर लगेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, या तो ग्रैंड फादर लगेंगे या ग्रैंड मदर, या अगर ये और दोनों ऑप्शन अगर आपको नहीं दिया रहता इसमें, तो एक और ऑप्शन आपको इंक्लूड रहता क्या है, लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिटरमाइन नहीं हुआ है, तो इसमें तो नॉन ऑफ दिस दिया नहीं है, इसमें क्या दिया था, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, दोनों में से कुछ एक भी हो सकता है। एक ही समझिएगा, यहाँ जो क्यू की माँ है ठीक है, उसकी माँ एम है, मतलब आई जो माँ है क्यू की और पी दोनों आपस में बहन है, इसे मतलब दोनों की तो माँ ही होगी, तब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन पॉइंटिंग वाला है, मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताया था, इसके लिए भी आपको मिलता है 40 सेकेंड, इसको बनाओ आप, इसके लिए मिलता है आपको 40 सेकेंड, आप इसको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप अपोजिट से स्टार्ट करना सॉल्व कीजिए, एक बार क्वेश्चन सीधा पढ़िए उसके बाद उल्टा स्टार्ट कीजिएगा सॉल्व करना, तो ये आसानी से बनेगा। समझ में आया, एक बार उल्टा स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना,
एक या मैं बताता हूँ, ठीक है, तब तक आप सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूँ उसके बाद कैसे बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन हर्ष सेड, कौन बोल रहा है, हर्ष सेड। सीधे क्या करेंगे यहाँ पे, हर्ष लिख लेते हैं, जो भी बोले इस टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ पे हर्ष लिख लिए, ठीक है। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नॉट, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर उसका नहीं है। इट हुज पोर्ट्रेट हर्ष इज लुकिंग, मतलब जो हर्ष है वो किसके फोटो को देख रहा है ये बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो खोजिएगा क्वेश्चन है माई कहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए माई दिया हुआ है, माई फादर सन ब्रदर मतलब मेरे पिता, ठीक है। ये क्या हो गया, फादर हो गए इसके, ठीक है। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ क्वेश्चन क्या है, माई माई फादर सन ब्रदर मतलब लड़का यही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया भी ब्रदर सिस्टर है नहीं, फिर उल्टा पढ़ते हैं वाइफ, यहाँ देखिए आया वाइफ मतलब हर्ष की वाइफ हो गई, ठीक है, ये जो औरत है हर्ष की वाइफ हो गई। पिता को समझ आएगा, फिर बोल क्या रहा है, हिज मदर मतलब इसका कोई माँ कोई क्या होगा, बेटा होगा तभी ना हिज मदर ही हो जाएगी, क्या हो गया, मदर है ये कोई पर्सन है, ठीक है। हिज का बात हो रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव होगा, क्या इसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, इट हुज पोर्ट्रेट हर्ष इज लुकिंग, जो हर्ष है वो किसके फोटो को देख रहा है बताना है, तो हर्ष की पत्नी का बेटा का फोटो देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, हिज सन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा हिज सन। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, इसको बनाइए, इसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, 40 सेकेंड ही बनाइए, 40 सेकेंड काफी है आपके लिए, 40 सेकेंड आपके पास है, इसको बनाइए आप, 40 सेकेंड आपके पास है, सफिशियंट है 40 सेकेंड, आप 40 सेकेंड में इसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन देखिए, एक सनमित्रा नाम की लड़की है, ठीक है, वो अपने घर से निकलती है, तो मान लीजिए घर है उसका हो गया, अब समझ में ये घर हो गया, उसके बाद क्या करती है, आपको डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन पहले बना लीजिए, जब भी डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन कीजिए तो आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है, इससे आपको डायरेक्शन में कन्फ्यूजन नहीं होता है, नॉर्थ हो गया ये वेस्ट हो गया साउथ हो गया। अब देखिए क्या करा है, सनमित्रा स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन वास 3 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, ये क्या कर रही है, 3 किलोमीटर जा रही है किधर, नॉर्थ की तरफ। फिर देखिएगा देन ही टर्न्स राइट, क्या हो रहा है, फिर वो 2 किलोमीटर क्या हो रहा है, राइट टर्न कर रही है, ठीक, अच्छी बात है, 2 किलोमीटर घूम गई, एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अब क्या कर रहा है, यहाँ से वो राइट घूम रही था, कितना किलोमीटर चल रही है, 5 किलोमीटर हो, अच्छा हो गया, फिर चलिए घूम ली, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर क्या कर रहा है, वो राइट घूम रही है, 2 किलोमीटर चल रही है, क्या ये भी आपका, देन राइट 2 किलोमीटर चल रही है उसके बाद, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन क्या कर रही है, वो 2 किलोमीटर चल रही है, क्या कर रही हो, अगेन 2 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ भी 2 किलोमीटर चली। अब क्वेश्चन पूछ क्या कर रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो अभी है हम लोग को बता रहा है, देखिएगा डायरेक्शन उसका यही है, डायरेक्शन किस साइड है आपका, देखिएगा ऊपर साइड डायरेक्शन, तो इसमें मतलब ऊपर साइड यहाँ क्या दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, नॉर्थ हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे लोग क्वेश्चन को डायरेक्शन डिस्टेंस का, ये जब भी आप बनाइए डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन तो ये जरूर नोट कीजिए, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, इसके लिए आपको मिलता है 40 सेकेंड, ये क्वेश्चन आपको निमसेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, निमसेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए।
किस किस लड़का का सोल्व हो गया, जल्दी बनाइएगा, थोड़ा कॉल आ गया था, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। चलिए इसको बनाइए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, अगला क्वेश्चन आप उड़ा दीजिएगा, ठीक है। मैं एक बनाता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप बनाना, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 90% वाटर। फ्रेश एक ग्रेप्स है, ठीक है, उसमें क्या है 90% वाटर है बाई वेट, वाइल ड्राइड ग्रेप्स कंटेन्स 20% वाटर बाई वेट। उसमें क्या है 20% वाटर है बाई वेट है। फिर आए क्या करा है, व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फॉर 20 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। अब बताना क्या है कि 20 kg फ्रेश ग्रेप्स है, उसमें से ड्राई ग्रेप्स कितना निकलेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले क्या लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए फ्रेश, शुरू में फ्रेश दिया हुआ है तो आप फ्रेश लिख लेंगे, ठीक है, फ्रेश फ्रूट हो गया। 90% वाटर, एक चीज बताइए, जो भी फल होता है ठीक है उसमें वाटर होगा, एक पानी भाग होगा, एक गुदा वाला भाग होगा। पानी भाग को वाटर बोलते हैं, गुदा वाला भाग को पल्प बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फ्रेश में 90% वाटर है, तो इसमें 10% तो गुदा हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं, इस बराबर किसके हो जाएगा, देखिए आगे बोल रहा है। फिर आगे क्या है, ड्राई फ्रूट है, क्या है उसमें आपको 20% वाटर है, मतलब क्या हो जाएगा उसमें 80% आपका क्या हो जाएगा, 20% पानी है, तो 80% क्या हो जाएगा आपका, पल्प हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, ये परसेंट परसेंट है तो परसेंट परसेंट कैंसिल कर देते हैं दोनों का, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 kg फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट फ्रूट में से पूछा, 20 kg फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट में से ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा, था फ्रेश फ्रूट के सामने क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे, ठीक है, इंटू 10 कर देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू ड्राई के बारे में पूछा, ड्राई इंटू 80 कर देंगे। अब देखिए क्या कीजिए, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, अब 20/8 आया है, तो 20/8 को आप जब सोल्व कीजिए तो आपका ड्राई फ्रूट का कंटेंट निकल जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 2.5 kg, 2.5 kg। कितना आसान क्वेश्चन, आपका निमसेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं इसी पैटर्न पर, गर्दा उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा देना, सेम पैटर्न में ऑप्शन नहीं मिलेगा, गर्दा उड़ा दीजिए, लीजिए 40 सेकेंड, सीधे उड़ा देना क्वेश्चन को, समझे, 40 सेकेंड आपके पास है, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। पिछले वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न में था, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ठीक है, इसको बनाइए, बस 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 सेकेंड बहुत ज्यादा है, फिर भी आपको 40 सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, बनाइए आप। जल्दी जल्दी बनाइए, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट पे है, तो हम सीधे लिख क्या लिखते हैं यहाँ, फ्रेश फ्रूट हो गया A4 फ्रेश हो गया इंटू, अगर 96% वाटर है तो क्या हो जाएगा, 4% आपका जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, गुदा वाला पार्ट होगा, इज इक्वल टू, फिर यहाँ D4 ड्राई फ्रूट है इंटू, देखिए दूसरा का भाग में क्या है, 95% अगर वाटर है तो 5% क्या हो जाएगा आपका, पल्प हो जाएगा, ये पल्प हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है 20 kg फ्रेश फ्रूट है, 20 kg फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, फोर बच गया यहाँ पे, अब ड्राई फ्रूट निकालना है कितना निकलेगा, तो देखिए 5 से क्या काट देंगे, 4 काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 निकल गया, क्या 16 आपका ड्राई निकल गया, 16 kg, सीधे सिंपली बना लेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपको निमसेट में अगर आ गया तो 2 स्टेप से 3 स्टेप पे आप सोल्व कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, थोड़ा भी ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना, ठीक है, आपका समय बचेगा तो आप मैथ पे ध्यान लगाइए, ठीक है, मैथ का आपका वेटेज भी ज्यादा होता है, आपसे 2 गुना होता है, ठीक है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से 2 गुना वेटेज होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, आप सॉल्व कीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं दिया था होमवर्क में, अगर अभी नहीं बना जिनका बन गया, अच्छा बात है, कमेंट में अपना आंसर कर दीजिएगा, और जिनका नहीं बना है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, ठीक है, एमसी इंडिया ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ऐड हो जाइएगा, ठीक है, और ग्रुप में डाल दीजिएगा बनाकर, समझ में आया? चलिए इसको बनाते हैं अब, ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई सेलिंग आर्टिकल्स फॉर आर 72 देयर इज लॉस ऑफ 10%। जब वो 72 रुपए में बेच रहा है तो उसको लॉस कितना का हो रहा है, लॉस आपको उसको हो रहा है 10% का। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी निकाल लेते हैं, तो इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करते कितना होगा, 1/10 होगा। 10 रुपया दाम था, 1 रुपया कम में बेच रहा है, मतलब लॉस में बेच रहा था, 1 रुपया कम में बेचा है तो कितना बेचा होगा, 9 में बेचा होगा। पर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कितना बेचा है, 72 रुपये में बेचा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। जो हम लोग का सीपी होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 में ज्यादा होता है, क्या हो जाएगा, 80 सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 80 सीपी हो गया। अब देखिए आपका सीपी जब मालूम पड़ गया 80 है तो आपको बेचना कितना पे है, इन ऑर्डर टू गेन 5%, अगर 5% नाफा कमाना है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट कितना कमाना है, 5% प्रॉफिट करना है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, अगर फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, तो 20 रुपये था दाम, 1 रुपये ज़्यादा कमाना था, इसका मतलब क्या हुआ, 21 रुपये में उसको बेचना है, और 20 नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ठीक है, और 20 किसके बराबर है, 80 के बराबर है, कितने गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, जो बेचेगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। तो हम लोग जो एसपी होगा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन रहा है आपके पास, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीटिंग एंड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ जाइए कि लेवल 1 का क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। कल से आपका लेवल बढ़ेगा सीटिंग एंड अरेंजमेंट का, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन कराया जाएगा। आजकल नीमसेट में सीटिंग एंड अरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कराया जाएगा कल से, आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको सीटिंग एंड अरेंजमेंट का मिलेगा, ठीक है। और जो चलता है, जो जिस जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे कम आता है, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर से एक ही क्वेश्चन पूछता है तो उसे कम कराया जाएगा, रैंकिंग एंड ऑर्डर से भी आपसे कम क्वेश्चन पूछता है तो उसे भी कम कराया जाएगा, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा उस चैप्टर का उतना ही ज्यादा रिवाइज कराया जाएगा। समझ में आया, तो ये मत समझिएगा किसी किसी चैप्टर का ज्यादा कराया जा रहा है, किसी चैप्टर का कम कराया जा रहा है, ठीक है। मैं देख ले रहा हूँ किसका चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, उसके अनुसार मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो घबराना नहीं है, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, लगभग आपका 30 डेज चलेगा इस सीरीज 1000 MCQ का। उसके बाद पता है मैं क्या कराने वाला हूँ, उसके बाद जितना भी आपका एग्जाम होगा निमसेट का, ठीक है, वो करा दूंगा, फिर आपका 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका सब चीज कंप्लीट होगा, मतलब एक एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, टाइप वाइज क्वेश्चन करा दीजिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब क्या किया ग्राफ बनाकर रख दिया कैसे कैसे क्या पढ़ना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, WXYZ आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल है, ठीक है, मान लीजिए क्या हो गया आपका स्क्वायर टेबल हो गया, क्या 4 पर्सन है तो 4 हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले। फिर आगे देखिए, डब्ल्यू इज सिटिंग टू द एक्स इमीडिएट राइट, डब्ल्यू जो है क्या है एक्स के राइट में है, तो डब्ल्यू यहाँ बना लेते हैं, तो एक्स क्या बनाएंगे, एक्स यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या करा है, वाई इज सिटिंग जेड इमीडिएट लेफ्ट, वाई जो है क्या है जेड के लेफ्ट में है, तो जेड यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तब ना वाई यहाँ पे होगा इमीडिएट लेफ्ट में। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन में से हमको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या करा है, एक्स इज टू द लेफ्ट ऑफ जे, एक्स जो है वो जेड के लेफ्ट में, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट सही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे क्या करा है, जेड इज बिटवीन एक्स एंड वाई, जेड जो है एक्स एंड वाई के में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही लिखा है, लेकिन क्या गलत स्टेटमेंट बता रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, डब्ल्यू इज बिटवीन एक्स एंड वाई, डब्ल्यू जो है वो एक्स वाई के बीच में है दोनों के बीच में ना है, दोनों के बीच में है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या देखना है, जेड इज फेसिंग डब्ल्यू, तो देखिए डब्ल्यू जेड और फेसिंग डब्ल्यू करें तो कौन सा होगा, ठीक है, ये भी आपका सही दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक रुकिए ऊपर वाला ऑप्शन चेक करते हैं फिर शुरू से, एक्स इज टू द लेफ्ट ऑफ जे, एक्स जो है वो जेड के लेफ्ट में है, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा, जेड के राइट में एक्स है, तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत दिया हुआ, तो यही हम लोग गलत स्टेटमेंट बताना है, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आपका वीडियो यही पे होता है समाप्त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।